नमस्कार दोस्तों, समाचार भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्यम तिवारी। हमारा जो चुनावी दंगल यूपी का चल रहा है उसको लेकर के हम लोग कानपुर नगर की किदवई नगर विधानसभा के ढकनापुरा क्षेत्र में आ चुके हैं और यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं लोगों से कि लोग किस पार्टी को वोट और सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी को अपना विधायक और मंत्री बनना देखना चाहते हैं। इसी बीच में हमारे पास में बहुत सारे भैया लोग खड़े हुए हैं, जरा इनसे जानने का प्रयास कर, युवा साथी हैं हमारे, जैसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार प्रदेश में किस पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं या योगी जी आ रहे हैं या बहन मायावती जी आ रही हैं या प्रियंका गांधी का जो कहना है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसा कुछ है कि लड़की लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती है, पब्लिक क्या कहती है इस बारे में, इस बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? सलमान जी, आपका स्वागत हमारे चैनल। सलमान जी, बताइए कि आपके ढकनापुरा क्षेत्र में किदवई नगर विधानसभा लगती है, किदवई नगर विधानसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी से आपके प्रत्याशी हैं महेश त्रिवेदी जी और अजय कपूर जी कांग्रेस से हैं और अभिमन्यु गुप्ता जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। आप इस बार, आपको क्या लगता है किस पार्टी गवर्नमेंट बनेगी और किस पार्टी विधायक जीतना चाहिए? ये समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी। हाँ। अभिमन्यु गुप्ता जी को चुनाव यहाँ से जीतना चाहिए, आप ये कहते हैं? हाँ। कारण क्या है इसके पीछे? समाजवादी पार्टी काम करती है, समाजवादी पार्टी काम करती है। योगी गवर्नमेंट में ऐसा क्या रहा कि कुछ काम नहीं हो पाए, कुछ काम अधूरे रह गए, ऐसा क्या रहा? आप बता दो क्या काम करी थे। नहीं नहीं, मैं जानना, मैं नहीं बताऊँ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ क्या काम रहा जो क्या काम नहीं हो पाया है। बहुत काम नहीं हुआ, आप वही कहे, आप हमको एक काम गिना दो। जैसे ये कहने को तो ये आता है कि योगी गवर्नमेंट ने आपका कोरोना काल में फ्री राशन दिया लोगों को, घर घर सिलेंडर दिए, जो गवर्नमेंट कहती है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कहती है। हमारा काम है जनता से लोगों के बारे में जानना, पूछना कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, किसी कहने से कुछ नहीं होता है। कहने को तो बहन जी कह रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश में 400 सीटें जीत रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं हम 300 सीटें के ऊपर जीत रहे हैं। सीटें केवल 403 हैं, पूरे प्रदेश में 403 सीटें हैं, 403 सीटों में 203 सीट चाहिए जो उसका पूर्ण बहुमत से। तो आपके हिसाब से किस पार्टी गवर्नमेंट बन रही है और किस पार्टी गवर्नमेंट बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए? पार्टी आनी चाहिए समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव जी काम कराते हैं, हर चीज़ का विकास कराते हैं। अखिलेश यादव जी आने चाहिए, अखिलेश यादव जी ही आने चाहिए। भैया का हमारे कहना है अखिलेश यादव जी आने चाहिए। अब ये तो तय होगा 10 तारीख को, ये 10 तारीख को पता चले कौन आया और कौन गया। इसी बीच में हमारे साथी और भी हैं, जरा इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम, हाँ कोई नहीं, कोई नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद रशीद खान है। राशिद खान जी, ये बताइए कि आपकी विधानसभा किदवई नगर विधानसभा से किस पार्टी का विधायक बनने जा रहा है, किस पार्टी का आप लोग विधायक बना रहे हैं? हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इस इलाके में सिर्फ अजय कपूर ने ही अपना झंडा यहाँ बनाया, कोई पार्टी नहीं है। बालचंद्र मिश्रा के टाइम से बीजेपी यहाँ कोई काम कराती ही नहीं है, बीजेपी कोई काम कराती नहीं। 5 साल यहाँ पे आपके महेश त्रिवेदी जी विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या लगा कि कुछ काम ऐसे रहेगा जो काम उन्होंने नहीं करा पाए? वो यहाँ पे कुछ नहीं करा पाए, वो तो साहब यहाँ पे हिंदू मुसलमान बांट के चले गए। अभी आए थे बीच में, वहाँ कहीं हिंदू कितने हैं मुसलमान कितने, वो करके ही चले गए। एक लड़का बोला भी कि 5 साल तक आप आते नहीं हैं, आए हो तो यहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हो, क्योंकि टंकी पे हिंदू मुसलमान ही भरता है पानी, नंबर नहीं लगाता। लेकिन ये अजय कपूर की देन है, 25 सालों से उसका एहसान हम लोगों पे है। बिल्कुल सही है। कुल मिला के आप कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ से अजय कपूर जी को आप लोग वोट और सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच हमारे और युवा साथी खड़े जाए, इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? ये हमारा नाम सद्दाम हुसैन है। सद्दाम जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि इस बार आपको क्या लगता है कि प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? भैया अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए, अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए। जी हाँ। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी का नाम पता है, कौन प्रत्याशी है यहाँ से? नहीं नहीं, हमें नहीं पता है, लेकिन हम अजय कपूर को जिताएंगे यहाँ से। अजय कपूर कांग्रेस पार्टी बिलोंग करते हैं और समाजवादी पार्टी से अभिमन्यु गुप्ता जी यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों आपको लगता है अभिमन्यु गुप्ता जी को ही चुनाव जिताया जाए? नहीं नहीं नहीं, अजय कपूर उन्होंने बहुत काम किया हमारे क्षेत्र में, ये पार्क वगैरह सब उन्हीं की बनाई हुई है, ये टंकी उन्हीं की बनाई हुई है, बहुत सही से काम हुए हैं के वो करी ने हमारे क्षेत्र में काम। ढकनापुरवा क्षेत्र की जनता का कहना है कि अजय कपूर जी यहाँ के विकास पुरुष हैं और अजय कपूर जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव में अजय कपूर जी को वोट और सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच हमारे और साथी खड़े हैं, इनसे बात करने का और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भैया आपका? अरे कोई नहीं, बता दीजिए। अरे बताने क्या बुराई, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। अगले ने भाई ने जो मेरा शब्द बोला था, हम जब से यहाँ पैदा हुआ इतने बड़े भाई, तो विकास के हिसाब से देखा जाए तो अजय कपूर नहीं थे, विकास के नाम पे देखा जाए तो अजय कपूर है। कुल मिला के पार्टीवाद और राजनीतिक पार्टियों से अलग बढ़ के मेन चीज है विकास, विकास आगे है पार्टियां पीछे। आज मैं ये नहीं कहता हूँ व्यक्ति कोई भी जीते, मगर हमारे ढकनापुरवा क्षेत्र का विकास होना चाहिए।
ये मेरा कहीं नहीं, बिल्कुल आपका कहना है, लेकिन इसके लिए तो हमको गवर्नमेंट समय देती है और जो हमारे कानून बने हैं हर 5 साल में बस मौका आता है किस पार्टी को विधायक बनाना है, हमको ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है और हर बार हम तय करते हैं किस कौन सांसद सांसद बनना चाहिए, क्योंकि जनता ही तय करती है। तो आप किसको तय करना चाह रहे हैं? ये क्लियर, अजय कपूर मेरा फिर आ जाए, अजय कपूर आ जाए। देखिए जैसा आप सभी ने देखा, जनता मेरी रखना के विकास की जनता जो है वो चाहती है अजय कपूर मेरा फिर आ जाए। जैसा आपने सभी ने देखा कि यहाँ की जनता और यहाँ के लोगों से बात करने भी ये पता चलना भी आपका। मेरा नाम है चांद। चांद जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी के विधायक और किस पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाह रहे हैं, किसको पार्टी वोट और सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, अजय कपूर को। अजय कपूर को। अभी तक यहाँ से महेश त्रिवेदी विधायक रहे हैं 5 साल, ऐसा क्या काम अधूरा रह गया कि आपको लगता है कि अजय कपूर ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे? अधूरा तो छोड़ो, वो 5 साल में झांकने नहीं आए। 5 साल में झांकने नहीं आए। और कहने को ये कहा जाता है कि महेश त्रिवेदी जी एक बहुत अच्छे विधायक हैं, जननायक हैं, जो भी है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि महेश त्रिवेदी यहाँ पे नहीं झांकने आए हैं, कोई काम करने नहीं आए हुए हैं, और लोगों की इच्छा है कि इस बार अजय कपूर को अपना वोट और सपोर्ट करें। इसी बीच में एक चाचा हमारे पास खड़े हुए, जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफाक। आफाक जी, आफाक जी, आप इस बार किस पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं प्रदेश में? अखिलेश जी का देखना चाहते हैं, अखिलेश जी को। लेकिन यहाँ के विधायक अजय कपूर होगा। विधायक अजय कपूर। अब मनु गुप्ता जी समाजवादी पार्टी से टिकट दी गई, मनु गुप्ता जी को समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी ने ही भेजा हुआ है अपनी टिकट दे करके पार्टी से, तो अब मनु गुप्ता क्यों नहीं आप लोग लाइक कर रहे हैं, कारण क्या है? 4 बजे के फिर बीजेपी जीत जाएगी ना, यहाँ पे बीजेपी जीत जाएगी, यानी कि काम करते नहीं ना। क्या करते हैं? कोई काम करते हैं नहीं ना, बीजेपी जीते चले आते, 5 साल दिखाई नहीं पड़ते हैं। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं आप कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ना लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, अगर हम समाजवादी पार्टी को वोट कर देंगे तो वोट क्या नाम करके बीजेपी गवर्नमेंट बन जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए आप लोग अजय कपूर वोट करना चाहते हैं। अजय कपूर पिछले चुनाव में हार गए थे, क्या कारण है चुनाव हार गए थे? वो कुछ नहीं, मोदी लहर थी, कुछ नहीं होने, मोदी लहर की वजह से हार गए थे। इस बार आप लोगों को उम्मीद है कि अजय कपूर जी को आप लोग वोट? हमेशा आता, जब बुला तब खड़ा है, किसी काम जितने जो आप जिस रोड पर खड़े हैं ये अजय कपूर को बनवाई हुई है। महेश त्रिवेदी द्वारा जैसे कि अपने यहाँ कोरोना काल में योगी जी गवर्नमेंट थी और योगी जी गवर्नमेंट में कोरोना काल में फ्री राशन दिया गया लोगों को, आपको ही मिला होगा शायद? भैया जी एक चीज बताएं, राशन तो दिया गया है, राशन पैसा मुझे सरेंडम निकाला जा रहा है, 450 रुपये सरेंडम में 1000 का खरीद रहा हूँ, तो राशन पैसा दे रहा हूँ, चाहे 10 पकड़ लो कान, चाहे 10 कान पकड़ लो। हाँ ये बात भी सही है कि कुल मिला के कहना आप ये चाह रहे हैं कि जो पैसा है वो सिलेंडर का ज़्यादा पैसा पड़ रहा है और राशन फ्री मिल रहा है उसका पैसा कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट में, लेकिन कारण क्या है कि जो राशन बट रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, केंद्र सरकार की? गवर्नमेंट तो कहती थी कि मुझे 60 रुपये लीटर जो पेट्रोल बिकता था, तो नरेंद्र मोदी जी कहते थे मुझे नींद नहीं आती, इतनी महंगाई जनता झेल रही है, 100 रुपये लीटर बिक रही है, आज उन्हें नींद आ रही है, कैसे नींद आ रही है? देखिए कितने जागरूक व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा होगा एक बार कि 60 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है और हमें नींद नहीं आती, आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है उसके बावजूद नींद अच्छी आ रही है, 2014 में उन्होंने कहा था चुनाव के पहले। तो इस और हम ध्यान आकर्षित कराएंगे गवर्नमेंट का और ये कहना चाहेंगे कि जो भी समस्याएं लोगों की हैं और जो भी क्यूरी कर रहे हैं इस बारे में गवर्नमेंट विचार करे और देखे, ज़्यादा बेहतर होगा। इसी बीच हमारे साथ एक और भैया खड़े हुए, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार किस पार्टी को वोट कर रहे हैं और किस पार्टी का मुख्यमंत्री आप चाह रहे हैं प्रदेश में और क्यों चाह रहे हैं, लॉजिक है क्यों चाह रहे हैं इसके पीछे हम बात करेंगे। इस बार आप किस पार्टी को वोट और सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ से? अब हम भाई किसको बता दें कि हम किसको? नहीं, आप जिस पार्टी को लाइक करते हो कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, मैं आपसे व्यक्तिगत आपकी राय ले रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ किस सवाल इस बात का कि चाहे भाजपा है चाहे कोई सी भी अगर उम्मीदवार है, उद्धार नहीं हो सकता आम पब्लिक का भाई। नहीं ऐसा क्या कारण है, क्या लग रहा है आपको, क्या कमियां है जो नहीं हो पाई? कारण है उधर 2 साल जो कोरोना में जूझे, उसके बाद देखिए पेट्रोल के पैसे बढ़े हुए हैं, सिर्फ खाली राशन फ्री मिल रहा है। अच्छा, और अखिलेश यादव जी ने प्रदेश में पूरी जनता से वादा किया हुआ है कि इस बार 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे पूरे प्रदेश को, 300 रुपये। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ आपसे, उन्होंने ये वादा किया हुआ है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अखिलेश जी गवर्नमेंट बने या बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा से बने, क्या चाहते क्या है आप, मैं ही जानना चाह रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि चाहे किसी की भी सरकार बने, महंगाई से राहत नहीं मिलनी है, अब महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि महंगाई से कोई राहत नहीं, इसी पे हमारे साथ देखते हैं तो 10 मार्च को ही होगा कि किस पार्टी की सरकार प्रदेश में बन रही है, दावे तो सभी कर रहे हैं
बीजेपी बोल रही है हमारी 300 सीटें आ रही हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आ रही हैं। अब ये जनता तय करेगी कि किस पार्टी गवर्नमेंट बननी चाहिए, किस पार्टी की नहीं बननी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार भारत में सत्यम तिवारी खास रिपोर्ट, कैमरामैन शाह आलम के साथ सत्यम तिवारी की खास रिपोर्ट।